सो हेलो, आज हम बात करने वाले एक्सीलेटर पैडल के बारे में, जो कि हमारी गाड़ी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका। उसके वजह से ही हमारी गाड़ी रेस होती है, जो BS3 से लेकर BS6 तक की गाड़ी होती है वो। अब हमको पता होना चाहिए कि एक्सीलेटर पैडल क्या चीज़ है, उसका क्या काम है, वो सब चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। तो और कुछ भाइयों के ऐसे कमेंट्स थे कि यार एक्सीलेटर पैडल के बारे में बनाओ, कुछ भाइयों के PRV काउंट के बारे में बनाओ। तो PRV काउंट के बारे में ऑलरेडी मैंने बना के भेज दिया अभी, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप जाकर देख लीजिए PRV काउंट के बारे में। एक्सीलेटर पैडल के बारे में वीडियो होने वाला है, एक्सीलेटर के बारे में आपको पहले कोई नॉलेज ना हो और ये वीडियो आप देख लोगे तो आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी कि एक्सीलेटर पैडल कैसे वर्क करता है और एक्सीलेटर पैडल अपने लैपटॉप में कैसे चेक करना है और प्रैक्टिकल कैसे चेक करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके डायग्राम वायग्राम, इसके कोड हो गए, वो कैसे चेक करने हैं, वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी इस वीडियो में। और अगर आप बेहतरीन इन्वायरमेंट बनना चाहते हैं BS4 BS6 के लिए, तो आपके पास PDF फाइल होनी चाहिए, डायग्राम होना चाहिए, PDF फाइल होनी चाहिए। तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको PDF फाइल भेज दूंगा। अपन कमेंट में आप अपना नंबर भी भेजिए, नंबर के थ्रू आपको PDF फाइल मिलेगी, जो भी आपको चाहिए, महिंद्रा, अशोक लेलैंड, टाटा, भारत बेंच वगैरह सबकी। और वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो लास्ट तक देखना तभी आपको कुछ नॉलेज मिलेगा, वरना स्किप करके आप देखोगे तो आपको नॉलेज नहीं मिलेगा। फुल डिटेल मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मैं, तो एक एक डिटेल आप ध्यान से सुन के देखिए वीडियो फुल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए आपकी गाड़ी कौन सी BS4 है, BS6 है, उसमें ECU कौन सा लगा होता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो अभी ECU है, ये BS3 और BS4 में सेम लगता है, जो अपने ब्लेजो सीरीज होती है महिंद्रा की, उसमें अभी इसका ECU नंबर है, ECU नंबर है 70CV54, यानी 70CV54 इसका ECU नंबर है। जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो, इसके इनपुट है, राइट साइड में इसका आउटपुट है। आउटपुट है जो इंजेक्टर हो गए, एक्चुएटर जितने भी हुए, वो सब आउटपुट है, और इनपुट जो है सेंसर्स होते हैं। तो आपको पहले तो एक बात पता होनी चाहिए कि कपलर किस टाइप से निकालते हैं। कपलर निकालने का सही तरीका फोटो के थ्रू देख सकते हैं, ये ECU का कपलर निकालने का तरीका है, और किस हिसाब से इसके निकलता है वो आपको देख लेना, क्योंकि कितनी बार होता है कि कपड़े टूट जाते हैं, फिर उनको डिस्पेंसर में डाल के निकालना पड़ता है। ये इसका एक्सीलेटर पैडल का कपड़े का हो गया, इसको कैसे निकालना है वो आप तीन स्टेप के थ्रू देख सकते हैं। एक्सीलेटर पैडल कहाँ आता है वो भी आप देख सकते हैं, जो हमारा एक्सीलेटर पैडल ये पोजीशन होता है। एक्सीलेटर पैडल में दो चीज़ होती है, कहता है एक्सीलेटर पैडल और एक होता है सेंसर। एक्सीलेटर पैडल टूट जाएगा तो भी हमारा एक्सीलेटर पैडल काम नहीं करेगा, और सेंसर खराब हो गया तो भी हमारा एक्सीलेटर पैडल काम नहीं करेगा। आपको ये बात कुछ ध्यान में रखनी है कि क्या टूटा, क्या है एक्सीलेटर पैडल टूटा है या उसका सेंसर टूटा है। आपको ये दो चीज़ पहले तो डिफाइन कर लेनी है, आपको चेक कर लेना है कि ये दोनों चीज़ों में से कौन सी चीज़ रियल में खराब है। हम एक्सीलेटर पैडल के कुछ कोड्स लिखते हैं, कोड्स कैसे आते हैं इसके। एक्सीलेटर पैडल के सिंपल से पाँच कोड आते हैं, जो हमारी BS4 गाड़ी होती है और BS3 गाड़ी होती है, उन दोनों में जो ब्लेजो सीरीज की है महिंद्रा की, उसमें ये पाँच कोड आते हैं। पाँच कोड बहुत ही आपको ध्यान से देखना, पहला कौन सा कोड आया है, अगर ब्राउन का है, शॉर्ट का है, या ओपन का है, तो वायरिंग का फॉल्ट है। और ये पाँचवा नंबर का अगर आ गया है तो समझ जाना आपका सेंसर खराब है। तो ये सब चीज़ें पहले चेक करने के लिए आपको पहले लैपटॉप में चेक कर लेना है कि अगर एक्सीलेटर पैडल काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये दोनों कोड मतलब सिमिलर है, बस का शॉर्ट फॉर्म है, जो CRC जो है उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, हाई। जो एक्सीलेटर पैडल, अच्छा एक्सीलेटर पैडल में दो चीज़ होती है, एक्सीलेटर पैडल 1 APP 1 और एक्सीलेटर पैडल 2 यानी APP 2 APP 1 APP 2, दो इसमें सेंसर होते हैं। ये दो सेंसर मिलकर एक्सीलेटर पैडल मतलब एक सेंसर बनता है, दो सेंसर मिलकर एक सेंसर बनता है। आपको चेक कर लेना है दोनों में से कौन सा सेंसर खराब है। अगर एक्सीलेटर पैडल काम कर नहीं रहा, अगर आप एक्सीलेटर पैडल का कपड़ा अगर निकालोगे, कपड़ा निकाल के भी अगर आप चेक करोगे, तो भी गाड़ी की लगभग लगभग 1200 RPM तक रहेगी आपकी एक्सीलेटर पैडल, चाहे लगाओ या ना लगाओ। आपकी गाड़ी बंद होने वाले ने खुद कहा है कि हो मोड पर गाड़ी चली जाएगी, 1200 RPM फिक्स रहेंगे और हमारा चेक लैंप जो होगा वो ब्लिंक करेगा। ये कंपनी वाले ने खुद कहा है कि ये तीन चीज़ें होगी अगर एक्सीलेटर पैडल में कोई खामी आती है। तो अब डिपेंड करता है, वायरिंग में फॉल्ट है तो अलग होगा, और एक्सीलेटर पैडल खराब हो गया तो कम से कम इतना होगा, रेस बढ़ जाएगी या तो बिल्कुल घट जाएगी, दोनों में से एक चीज़ होगी। और होम मोड पर चली जाएगी गाड़ी, लैम्प होम मोड पे जाएगा, सॉरी गाड़ी नहीं जाएगी, लैम्प होम मोड पे जाएगा। और 1200 RPM पर चल के देखते हैं लैपटॉप से कैसे चेक करना है। लैपटॉप पहले तो आपको कनेक्ट करना है, इसमें अभी फिलहाल तो कोई कोड नहीं है, एक्सीलेटर पैडल तो मैंने ऐसे वीडियो उतारा आपको दिखाने के लिए, गाड़ी में अभी एक्सीलेटर पैडल की कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लाइव डेटा में जाके और ACC पैडल के ऊपर जाके आप देखो, यहाँ पे तो डी और ई की वैल्यू है, अब डी से ई की वैल्यू कम होती है और ई से डी की वैल्यू डबल होती है, यानी ई की वैल्यू अगर 300 है तो इसके ऊपर वाली की डी की 700 रहेगी, और नीचे एक्सीलेटर पैडल पोजीशन है जो 0 पे है। जैसे जैसे आप एक्सीलेटर पैडल दबाओगे, जैसे मैं वीडियो के थ्रू आप देख सकते हैं, एक्सीलेटर पैडल जैसे जैसे मैं दबा रहा हूँ, तो एक्सीलेटर पैडल की पोजीशन जो है आप देख सकते हो, परसेंटेज में डेवलप हो रही है, 100 तक पूरा जाता है, 98 100 तक जा रहा है, और ई से डी की वैल्यू डबल रहेगी, जैसे 1000 है तो उसकी 3000 रहेगी, डबल या ट्रिपल रहेगी। ये होता है, ये APP 1 और APP 2 ये है, APP 1 डी है और APP 2 ई है, ऐसा होता है ना, दो सेंसर मिलकर काम करते हैं। सिंपल से एक उड़ जाए तो दूसरा तो काम करेगा, इसलिए रखा है। इतना आप देख लो, ये एयरवेयर का है, एयरवेयर का भी आप देख सकते हैं, एयर का फिर मीटरिंग यूनिट वगैरह सब चीज़ों का आप यहाँ लाइव डाल सकते हैं। डी और ई में कोई फ्लक्चुएशन होता है, बता नहीं रहा, तो ये प्रॉब्लम आएगी गाड़ी में। अब आपको डायग्राम पढ़ना आना चाहिए पहले तो, कि डायग्राम कैसे पढ़ता है। अब ये देखो, ये जो APP 1 है उसमें कपलर में CAB यानी ABCDEFG जो आता है, EFG HIJK LMN ये सब जो आता है, वो कपलर में एक नाम लिखा होता है कि ABC यानी पिन का नंबर होता है, ABCEFD ऐसे करके पिन होते हैं। जो ABC जो है एक्सीलेटर पैडल की पोजीशन 1 का है, यानी हमारा जो ई और डी होता है इसमें ई का है और दूसरे वाला डी का है, मतलब देख सकते हैं आप ऐसे करके। पहला जो हमारा है जो सी है उसमें लिखा है कि सप्लाई वोल्टेज। आपको पहले तो डायग्राम पढ़ना आना चाहिए कि डायग्राम कहना क्या चाहता है। सी जो है वो कपलर का एक पिन का नाम है सी, अब सी है जो उसको सप्लाई वोल्टेज है, यानी उसमें 5 वोल्ट या 3 वोल्ट या सप्लाई होता है उसमें, ठीक है। अब वो GR का मतलब क्या हो गया, ग्रे हो गया। अब L का मतलब ब्लू हो गया, इसी करके आपको पहले तो डायग्राम पढ़ना आना चाहिए। और K45 यानी जो कपलर, के कपलर जो होता है, जो ECM का बड़ा वाला कपलर होता है वो K होता है, छोटा वाला जो होता है वो A कपलर होता है, यानी K कपलर की 45वीं पिन नंबर पे ये वायर जाता है। और ये जो 75 है वायर की थिकनेस है, ऐसे करके आप डायग्राम पढ़ सकते हैं। फिर है सिग्नल का है, फिर ग्राउंड का है, फिर वोल्टेज का है, फिर सिग्नल का, फिर ग्राउंड का है, इसी करके 6 वायर आते हैं एक्सीलेटर पैडल में।
एक्सेलेटर पैडल का जो कपड़ा रहता है वो ऐसा आता है, ए बी सी डी ए एफ ऐसा आता है, इसमें मतलब 6 पिन का कपड़ा रहता है। और जो ईसीयू का कपड़ा आता है जो के कनेक्ट होता है वो ये होता है, पिन नंबर बहुत ही क्लियर देख सकते हैं कि पिन नंबर कौन सी कहाँ है, 75 कौन सी है, 1 कौन सी है, 2 कौन सी है, आपको जो कि दिख रही होगी। अब आपको कुछ डायग्राम बता दो, तो जो सी है वो हमारा है सप्लाई वोल्टेज, वो है ग्रे कलर का, वो ग्रे यानी है कि आपको एक चार्ट के थ्रू आपको बता दूँ, ग्रे है। अब ये जो ग्रे है आप देख सकते हो ये कलर कोड्स है, जो बी है बी आर है वो कोड्स है, और जो ये जो ब्लैक ब्राउन जो इसके कलर लिखा हुआ है यहाँ पे, अब जो बी है वो ब्लैक है, बी आर है वो ब्राउन है, ऐसे करके पूरा चार्ट बनाया हुआ है मैंने। और आप देख सकते हो वायर में सिंपल से लाइन होती है, अब इस लाइन को हम लाइन जो होती है उसको हम सेकेंडरी कलर बोलते हैं, जो कि वाई यानी येलो है, और जो पूरी होती है यानी पूरे कोटिंग में होती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी। ये जो प्राइमरी है वो है रेड, यानी पूरे वायर में जो जो कलर है वो रेड है, यानी आर है वो प्राइमरी है, और बीच में जो लाइन है वो सेकेंडरी है। ऐसे करके आप देख सकते हैं यानी वाई और काउंस में अगर जैसे जी और एल लिखा हुआ है, यानी ग्रे और ब्लू लिखा हुआ है, वैसे करके आप कलर कोड्स पता कर सकते हो। 7 और 75 यानी वायर की थिकनेस हो गई, के यानी K447 यानी उसका एसी का कपलर का नाम हो गया, ये सब देख सकते हैं आप इसमें इस फोटो के थ्रू। अगर आपकी वायरिंग आपको करनी है तो सिंपल से आपको 3 चीज़ें चेक करनी पड़ेगी, शॉर्ट ओपन और ग्राउंड। शॉर्ट कैसे चेक करेंगे, शॉर्ट आपको कैसे चेक करना है, एक मल्टीमीटर की पिन सी में लगाओ, एक मल्टीमीटर की पिन ए में लगाओ, सी और ए जो एक्सेलरेटर पैनल का कपलर है उसमें लगाओ। आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो भी आप वायरिंग करें चेक करो, तो आपको बैटरी का कट ऑफ सीट जो आता है, बैटरी का वायर जो आता है वो आपको निकालना है, चाहिए ऑफ रखनी है, इसी के दोनों कपलर जो है निकाल देना है, के और ए दोनों कपलर निकाल देना है। फिर आपको ये 3 स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप है शॉर्ट का, शॉर्ट जो है सी और ए में मल्टीमीटर कंटिन्यूटी पर सेट करके सी और ए में लगाना है। अगर कंटिन्यूटी आती है यानी सी और ए वायर मिक्स है, मिक्स नहीं होनी चाहिए, अगर मिक्स है यानी आपका वायरिंग शॉर्ट है। ये हो गया, ये से 6 और 6 में आपको चेक करना है, सी ए में ए बी में, इसी करके आपको चेक कर लेना है। फिर आता है ओपन, ओपन कैसे चेक करेंगे, जैसे सी है, अब सी से लेके K45 तक जो है जी आर एल वायर जो है हमारा, यानी ग्रीन में ब्लू लेडी का जो वायर है वोल्टेज का, वो आपको चेक करना है पहले सबसे स्टार्टिंग से। अब K45 में एक पिन लगाओ मल्टीमीटर की और एक लगाओ सी में, अगर कंटिन्यू बस्ती यानी वायर ओके, अगर नहीं बस्ती यानी वायर ब्रेक हो गया आपका वायरिंग, आपको चेक करना है किस जगह से आपका ब्रेक हुआ है। अब तीसरे नंबर का आता है ग्राउंड, और ग्राउंड कैसे चेक करना है, एक वायर आपको लगाना है सी में, एक वायर लगाना है आपको बॉडी पे। अगर सी में लगाने के बाद, बॉडी पे लगाने के बाद सी और बॉडी का अगर कंटिन्यूटी मिलता है यानी आपका वायरिंग कहीं ग्राउंड हो रहा है, वायरिंग कोई ना कोई जगह अड़ा हुआ है यानी ग्राउंड हो रहा है, आपको ये सी में नहीं, आपको सारी पिनों में आपको चेक करना है, सी ए बी पहले ये हो गया पोजीशन, दूसरा जो है दूसरा जो पोजीशन एफ ई, ये आपको चेक करना है, सी में ग्राउंड हो रहा है नहीं हो रहा है, ई में हो रहा है नहीं हो रहा, बी में हो रहा है नहीं हो रहा, फिर शॉर्ट सर्किट कहीं है या नहीं, या सब कुछ चीज़ें चेक कर लेंगे। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको बहुत ही काम लगेगा ये फोटो भी। और अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप नंबर डालो अपना और कमेंट में आपका नंबर डालो, और आप मुझे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपको अगर ये नई चीज़ करनी है तो आप वेबसाइट बताऊँगा, वेबसाइट के थ्रू भी आप कोई भी पीडीएफ आप ले सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।